बादलों में जादुई लहंगे का घर। बहुत समय पहले की बात है, राधेपुर गांव में रिधिमा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। रिधिमा बहुत ही मेहनती और नेक दिल थी। वो अपने गांव में ही सुगंधा नाम की एक महिला के दुकान पर सिलाई का काम करती थी और उसी के यहाँ किराए पर रहती थी। रिधिमा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। सुगंधा की बेटी शमिता बहुत ही आलसी लड़की थी। वो घर का कोई काम नहीं करती और ना ही सही से पढ़ाई करती। शमिता बेटा, शमिता, क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो ना। शमिता, 10 बजने वाले हैं, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा, अब उठ जाओ। शमिता मुंह बनाते हुए उठकर फ्रेश होने चली जाती है। तभी वहाँ रिधिमा आती है। आंटी जी, कल के जितने भी लहंगे थे मैंने वो सारे सिल दिए हैं, बाकी के 2 लहंगे मैं स्कूल से आकर सिल दूंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। कितनी समझदार बच्ची है ये, बिना माँ बाप के भी कितनी मेहनती और संस्कारी है, और एक मेरी बेटी है जिसे सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तभी शमिता नहाकर बाहर आ जाती है। ये अकेले अकेले आप किससे बातें कर रही हो? अपनी फूटी किस्मत से, जरा देख अपने ही घर में रहने वाली रिधिमा को, कुछ सीख उससे, कितनी मेहनती है वो और टाइम से स्कूल भी जाती है। और एक तू है जिसे दिन में स्कूल के लिए 10 बार उठाना पड़ता है। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको पता नहीं है पढ़ाई करना कितनी मेहनत का काम है, और मैं पूरी रात पढ़ाई करते रहती हूँ, तभी दिन में नींद नहीं खुलती। रही बात उस गरीब रिधिमा की, तो उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, उसे घर में रहकर आपके साथ सिर्फ सिलाई करनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई उस गरीब की बस की बात नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे नाश्ता, वो मैं बाहर से खा लूंगी, मुझे देर हो रही है, बाय माँ। रिधिमा और सुगंधा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब लंच में सभी बच्चे बाहर पार्क में घूम रहे थे, रिधिमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थी। ये देखकर शमिता बहुत चिढ़ जाती है। रिधिमा, तू मेरी माँ तो घर में रह, ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, अब उठ और आज छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं शमिता, तुम सब खेलो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। शमिता गुस्से से वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। आंटी जी ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह रिधिमा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ आंटी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा खुद का एक घर हो, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, ताकि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ। शाबाश बेटे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। इतना बोलकर रिधिमा चली जाती है। तभी शमिता अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ को दिखाती है। रिजल्ट देखकर सुगंधा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुझे शर्म नहीं आती, इतने कम नंबर लेकर आई है? अरे देख जरा रिधिमा को, पूरे दिन मेरी दुकान पर काम करती है, फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। और एक तू है जो पूरी रात भर पढ़ रही थी, फिर भी तेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। मम्मी मैं भी तो पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, अब मेरे अच्छे नंबर नहीं आते तो मैं क्या करूँ? किसे बेवकूफ बना रही है तू, आज से तेरे सारे खर्चे बंद, एक भी पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे आज के बाद। रिधिमा की तरह कमाकर खर्चा करना, तब समझ में आएगा तुझे मेहनत करना किसे कहते हैं। शमिता गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। इस रिधिमा की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर रखा है, जब देखो मम्मी उसी के गुण गाते रहती है। इस रिधिमा का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे यूं ही मम्मी से जिंदगी भर डांट खानी पड़ेगी। फिर एक दिन सुगंधा किसी काम से बाहर जा रहे थे। रिधिमा बेटा, दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आऊंगी। और हाँ, वो सेठानी के लहंगे सिल गए हैं, उसे जरा हवेली पर दे आना। आप बेफिक्र होकर जाइए आंटी, मैं सारा काम देख लूंगी। शाबाश बेटा। सुगंधा के जाने के बाद सारा काम खत्म करके रिधिमा लंच के लिए घर जाती है। तभी मौका देखकर शमिता दुकान में आ जाती है और पूरे दुकान में आग लगाकर वहां से भाग जाती है। शाम को जब सुगंधा अपने दुकान में आती है, तब वो दुकान को जला हुआ देखकर माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये सब कैसे हुआ। तभी शमिता वहां आती है।
माँ, ये सब रिधिमा की बच्ची ने किया है। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और पूरा दुकान चला दी और घर जाकर आराम कर रही है महारानी। सुगंधा गुस्से से अपने घर आती है तो रिधिमा सो रही होती है। आंटी, आप तो शाम को आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, मुझे जल्दी आते देखकर हैरान हो रही है? नहीं आंटी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। वो थोड़ा ज्यादा थक गई थी ना आज, इसलिए आंख लग गई थी। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना था और उसका ये सिला दिया तुमने। आखिर क्या मिला तुझे मेरा दुकान चलाकर? कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने ये सब करके? ये आप क्या कह रही है आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, इसी ने सब कुछ किया है। तुम्हारे जाते ही सारे लहंगे बाजार में बेचकर दुकान में आग लगा दी इसने। नीच कुल्टा, निकल जा मेरे घर से। दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत देना, निकल जा घर से। पर आंटी, एक लफ्ज नहीं, दफा हो जा यहाँ से। रिधिमा रोते हुए वहाँ से चले जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो रो रही होती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक चिड़िया का बच्चा रिधिमा के सामने गिरता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा बेचारा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। रिधिमा उसे उठाकर अपने पास ले आती है और बारिश रुकने तक उसे अपने हाथ से ढक कर रखती है। बारिश रुकने के बाद वो चिड़िया बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं परी लोग की चिड़िया हूँ। वो तो आज मैं पृथ्वी लोग पर फल खाने आई थी, तभी अचानक बारिश हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन तुम इतनी बारिश में जंगल में क्या कर रही हो? तब रिधिमा उस चिड़िया को सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो चिड़िया कहती है, तुम खुद इतनी दुखी होते हुए भी मेरी मदद की, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरे साथ आओ। फिर चिड़िया रिधिमा को अपने साथ आसमान में ले जाती है, जहां उसे एक बहुत ही प्यारा जादुई लहंगों का घर दिखाई देता है। रिधिमा, ये जादुई लहंगों का घर है। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और इस घर की सबसे खास बात है, इसे तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो। आज ये घर तुम्हारा है। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, मुझे ये लहंगा घर आसमान में नहीं धरती पर चाहिए। मैं इसे अपने साथ धरती पर ले जाना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर रिधिमा उस लहंगे घर को अपने साथ पृथ्वी पर ले आती है। रिधिमा उस घर में बहुत ही खुशी खुशी रह रही थी और वो जादुई घर की मदद से बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रही थी। सभी रिधिमा की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी एक दिन सुगंधा शमिता के साथ रिधिमा के घर आती है। बेटी, हम लोग बहुत ही गरीब हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी कुछ मदद कर दो बेटी। अरे आंटी प्लीज, मुझसे मदद मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपने मुझ अनाथ को एक माँ की तरह पाला है, ये सब कुछ आपका ही है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से आप लोग इसी लहंगे घर में रहना। ये सुनकर शमिता को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, आज हमारा ये हाल मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर सभी मिलजुल कर उस लहंगे के घर में रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें पति सुधीर, पत्नी सुनीता और उनकी बेटी पिंकी रहती थी। पिंकी बहुत ही समझदार बच्ची थी। पिंकी के पिता फल बेचने का काम करते थे। एक दिन की बात है, मम्मी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम जाकर खेलो, मैं काम कर लूंगी। ठीक है मम्मी। इतना कहते ही पिंकी बाहर चले जाती है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पापा घर आ गए होते हैं और वो अपने पापा को देखकर जोर से चिल्लाती है, पापा। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, बाहर से खेलकर आ गई। हाँ पापा, मैं तो खेलकर आ गई,
पर मैंने आपसे एक परी मांगी थी, वो लेकर आए आप? पिंकी को परियों का बहुत शौक था। नहीं, मैं आज तो तुम्हारे लिए तुम्हारी परी नहीं लाया, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी परी जरूर ला कर दूंगा। ठीक है पापा। अब रात हो जाती है और सब बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सुनीता सुधीर से कहती है, आपको आज फल बेचने नहीं जाना है क्या? आज सेठ जी ने फल देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि जब तक पुराने फलों के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, और इतनी बिक्री नहीं हो रही है कि मैं उनके सारे पैसे एक साथ दे दूं। आप एक बार और बात करके देखिए उनसे। मैंने बहुत कोशिश की मगर वह मानने को तैयार ही नहीं है। अरे ये तो बहुत चिंता वाली बात है। हाँ, मुझे भी अब समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पीछे खड़ी पिंकी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और सोचती है, मैं अपने माता पिता की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, भगवान जी आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतने में ही पिंकी की माँ उसे देख लेती है और बोलती है, अरे पिंकी बेटा उठ गई तुम? हाँ मम्मी। आ जाओ मेरी गुड़िया रानी। पापा हम लोग कल मंदिर चलेंगे। ठीक है बेटा। अगले दिन मम्मी पापा और पिंकी तीनों ही मंदिर जाते हैं। मंदिर से वापस आते समय पिंकी को एक चुड़िया दिखाई देती है, वो बहुत ही सुंदर चुड़िया होती है। वो चुड़िया बड़ी रफ्तार से उड़ रही थी और पिंकी उसको देखने के चक्कर में उस चुड़िया के पीछे पीछे भागती चली गई, और वो भागते भागते एक प्यारे से बगीचे में पहुँच गयी। वहाँ का नजारा इतना खूबसूरत होता है, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। इन सबको देखकर पिंकी सारा दुख भूल जाती है और वहाँ उस चुड़िया के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा तो उसके पास है ही नहीं। वो मायूस होकर उस चुड़िया से बोलती है, मुझे मेरे घर जाना है। इतने में ही उसे बहुत सुंदर तितलियाँ दिखाई देती है और वो सारी तितलियाँ पिंकी के पास आकर एक घेरा बना लेती है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? फिर अचानक वो तितलियाँ उड़ते उड़ते एकदम से परी का रूप ले लेती है, और फिर जो चिड़िया होती है वो भी उन परियों के पास आ जाती है। लेकिन पिंकी बहुत डर जाती है। इतने में ही परियों की रानी पिंकी को बोलती है, क्या हुआ पिंकी, तुम उदास क्यों हो? मुझे मेरे घर जाना है। पिंकी तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहती क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो परियों को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ और मुझे मेरे घर का रास्ता भी नहीं पता, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तुम परेशान मत हो पिंकी, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे, उससे पहले हम खेलते हैं। पिंकी खुश हो जाती है और खेलने लगती है। पिंकी के साथ साथ परियों को भी पिंकी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। रानी परी अब मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ पिंकी बेटा। हाँ तो चलो। पिंकी मेरा एक काम करोगी क्या? मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ रानी परी? ये जो चिड़िया है ना, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आई हो, ये वाक्य में कोई चिड़िया नहीं है बल्कि मेरी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। इसको एक जादूगरनी ने चिड़िया बना दिया था। वो जो तुम्हारे घर में आम का पेड़ है ना, उसके पीछे एक कलश है, उस कलश को तुम ही निकालना। वो कलश हम नहीं निकाल सकते, उस कलश को कोई बच्चा ही निकाल सकता है जिसका मन एकदम साफ हो, और वो तुम हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। उसमें क्या है रानी परी? उसमें जो गंगा जल है वो गंगा जल इस चिड़िया पर छिड़कना है, जिससे ये वापस मेरी बेटी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको वो कलश अभी लाकर दे देती हूँ। नहीं पिंकी, वो कलश मुझे नहीं चाहिए, बल्कि वो गंगा जल तुम्हें ही इस चिड़िया पर छिड़कना है, ये चिड़िया मेरी बच्ची बन सकेगी। ठीक है रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। अब रानी परी और बाकी सारी परियां पिंकी को उसके घर छोड़ने आती है।
पिंकी के मम्मी पापा पिंकी को देखकर चैन की सांस लेते हैं। मेरी बच्ची गुड़िया रानी, तुम कहाँ चली गई थी? पापा अब आप थोड़ी देर रुको, हम अभी आते हैं। पिंकी तुरंत घर से बाहर जाकर आम के पेड़ के पीछे से मिट्टी खोदकर वो कलश निकालती है। फिर उस कलश में से गंगा जल निकालती है और वहीं उस चिड़िया पर डाल देती है। जैसे ही वो गंगा जल उस चिड़िया पर पड़ता है, वो एक छोटी सी बच्ची परी के रूप में आ जाती है। पिंकी उस परी को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में ही मम्मी पापा और बाकी सारी परियां वहां आ जाती है। फिर रानी परी पिंकी के मम्मी पापा को पूरी बातें बताते हैं। ये सब होने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रानी परी खुश होकर पिंकी को एक जादुई छड़ी देती है, जिसे पाकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। ये क्या है रानी परी? ये एक जादुई छड़ी है पिंकी, तुम इस छड़ी से जो कुछ भी मांगोगी और इसे 3 बार ऐसे घुमाओगी तो वो चीज तुम्हें दे देगी। पर हाँ, याद रहे, इस छड़ी का किसी गलत काम के लिए प्रयोग ना करना। ये सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और वो सबसे पहले अपने पिताजी के लिए पैसे मांगती है और उस जादुई छड़ी से वो पैसे लेकर अपने पापा को दे देती है और उन पैसों से उसके पापा कर्जा मुक्त हो जाते हैं। अब सब अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे, चारों ओर धरती में दरारें थी। स्वर्ग से देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था धरती पर। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं नर्क समझती थी धरती को। एक दिन सभी परियां स्वर्ग से धरती को देखते हुए आपस में बातें करती हैं। लाल और हरी परी बात कर रही थी। अरे कैसी अजीब सी है ये धरती, क्या यहाँ कोई रह सकता है भला? सही कहा तुमने, कैसे कोई यहाँ रह सकता है, यहाँ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना कोई रंग है, ना कोई मनोरंजन है और ना ही कोई अपना। इतना सुन परिमा वहाँ आकर बोलती है, ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सबकी सोच अगर ऐसी ही रहेगी तो धरती लोक पर कभी जीवन प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। पर लेकिन माँ, इतनी अजीब सी दिखने वाली इस धरती लोक पर रहना कौन पसंद करेगा भला, और कौन रहेगा, कोई जाना ही पसंद नहीं करता है वहाँ तो। किसी ना किसी को तो इस धरती पर जाकर जीवन प्रारंभ करना ही होगा, चाहे वो हम में से कोई एक ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद सभी परियां अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मग्न रहते हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बाद भी वो दोनों नहीं मानते हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपने बहनों के कामों में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नज़र तुम पर है। ओहो माँ, तुम सभी के रहते हुए हम दोनों को काम क्यों करना पड़ेगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, अब जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो। रानी परी वहाँ से गुजरते हुए दोनों बच्चों की आवाज़ सुनकर परी माँ को डांटती है। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है, देख रही हो कैसे सर चढ़कर बात कर रही है ये दोनों। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होकर सुधर जाएंगी दोनों, वो दरअसल अभी इनके खेलने कूदने के दिन है ना। हंसते हुए पानी परी बोलती है, माँ सही कह रही है, अभी हमारे खेलने कूदने के दिन है। रानी परी आओ ना, आप भी हमारे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। रानी परी परी माँ से कहती है, संभालो इन दोनों बच्चों को, कहीं इन दोनों बहनों के प्यार को हमारी ही नजर ना लग जाए। जी रानी परी, आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। गुस्से से आग बबूला होकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। देख लिया रानी परी का गुस्सा, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो, दूसरे बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी बेटा। ओह माँ, आप फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही दोनों परियां अदृश्य हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्वर्ग लोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचों को रोनते हुए आगे बढ़ता है। हंसते हुए जोर जोर से राक्षस बोलता है अपने आप से, हा हा हा,
कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंद के, और यहाँ की परियों को कुचलने में कितना आनंद आएगा, हा हा हा। राक्षस की आवाज सुनकर सारी परियां अपने अपने महल से बाहर आ जाती हैं। अरे ये इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्ग लोक में क्या कर रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो मेरी बच्चियों, हम अपनी जादुई छड़ी से अभी इस राक्षस का वध कर देंगे। लेकिन माँ ये तो बहुत विशाल राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता मेरे बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात सुनकर राक्षस हंसता हुआ बोलता है, तुम अकेले इन नन्ही परियों के साथ मेरा क्या सामना करोगी, हा हा हा। तुम्हें यह स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही होगा, यहाँ मेरा राज होगा। अरे मूर्ख, तुम क्या, कोई भी हमसे हमारे ये स्वर्ग लोक नहीं छीन सकता, कर लो हम सभी का सामना। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती है। फिर राक्षस जोर जोर से हंसता हुआ बोलता है, हा हा हा, क्या हुआ परियों, हो गई तुम्हारी जादुई ताकत खत्म? हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे, ये स्वर्ग लोक हमारा है और सदा हमारा रहेगा। युद्ध की आवाजें सुनकर रानी परी भी अपने महल से कुछ परियों के साथ दौड़ती हुई आती हैं। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाते हैं। लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ नहीं होते हैं। रानी परी क्रोधित होकर परी माँ से बोलती है, देखा, मेरी चेतावनी देने के बाद भी ये दोनों नहीं सुधरी, अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके की सजा जरूर मिलेगी, और ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा शासन है। इतने में पानी परी और बिजली परी दोनों हंसते खिलखिलाते वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ माँ? माँ यहाँ कोई तूफान आया था क्या? आप चुप क्यों हो माँ, बोलो ना यार, क्या हुआ था यहाँ? तूफान तो अब आने वाला है, तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें सजा क्यों मिलेगी भला? ये सुनकर परी माँ जोर से चीख पड़ती है, नहीं, इन दोनों को माफ कर दो रानी परी, आइंदा से ये दोनों ऐसी गलती नहीं करेंगे। सजा तो इन दोनों को मिलकर रहेगी, और इन दोनों की सजा ये है कि आज से ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी, सदा सदा के लिए। पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा, पर बिजली परी यहीं स्वर्ग लोक में रहेगी, लेकिन सभी परियों से अलग। रानी परी की ये सजा सुनकर बिजली और पानी परी के साथ साथ सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की अंतिम सजा है। तब से पानी परी धरती पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग लोक में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थी। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से बोलती है, माँ पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो धरती पर कैसे रह रही होंगी। परी माँ और बाकी सारे परियां मिलकर बिजली और पानी परी के लिए रानी परी के कदमों पर गिरकर रोने लगी। रानी परी आप भी तो एक माँ है, एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई, कम से कम मेरे खातिर इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सब उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों बच्चियों के बचपना से खेल गई, अब मैं इस श्राप को वापस नहीं कर सकती, लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज से लेकर युगो युगो तक जब भी बिजली परी को रानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब तक बिजली धरती पर जाकर पानी परी के अंदर समा जाएगी, और इन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरस कर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बस फिर होना क्या था, तब से ही बिजली का कड़क कर पानी में गिरना शुरू हो गया, और इन दोनों बहनों का प्यार देखकर बादल भी रोने लगते हैं, और तब से ही धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन भी यापन हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं।
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।